चींटी चढ़ी पहाड़ में शीशा चटक गया, कविता दीदी की दाढ़ी में चूहा लटक गया। दोस्तों, कुछ दिनों में ही नया साल 2024 आने वाला है और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ 2024 का स्वागत करने के लिए। मुझे अच्छे से मालूम है कि आप सब लोग 2024 की तैयारी में जुट गए होंगे। नए साल को धूमधाम मनाने के लिए आप कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर से अभी से सोच रहे होंगे। और भैया, डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में डिजिटल तरीके से सब लोग इस साल को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा दोनों सालों के बारे में बात करना चाहती हूँ, मतलब नए साल और पुराने साल की जो नए साल के मनाने के तरीके हैं वो मुझे याद, पता है कहाँ कहाँ से आया, दिल्ली से कुछ लोग यहाँ पर आए थे जो मेरे दोस्त हैं और मेरे घर में दो दिन उन्होंने रहा है और वो लोगों ने मुझसे कहा कि अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाओ। तो जब मैं अपनी अलमारी को खोली, वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी बहुत पुरानी डायरी मेरे हाथ में लगी, जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी डायरी को दिखाऊंगी। ये देखो, ये फट भी गई है यहाँ से, और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हैं। तब मुझे याद आया और मेरे पास में बहुत सारे पुराने ग्रीटिंग कार्ड हैं। तो जब पुराने ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने का मतलब मेरा यहाँ से है कि हमारे ज़माने में जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, तब हमारे ज़माने में नए साल को मनाने का बहुत अलग तरीका होता था, क्योंकि हमारे ज़माने में ना तो फ़ोन थे ना तो इंटरनेट था, तो सीधे आमना सामने, और चिट्ठियों का ज़माना था, ग्रीटिंग कार्ड का ज़माना था। और मैंने वो पूरी पुरानी यादों को, मेरी सारी सहेलियां जो आई थी, मेरी दोस्त आई थी, वो सब लोग एक एक ग्रीटिंग कार्ड को पढ़ पढ़ के और हंसी, और उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने ज़माने के अनुभव आपके साथ में बांटूं। और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम लोग लव लेटर भी लिखते थे, और वो वाले लव लेटर भी मेरे पास में, मेरे सहेलियों के बहुत सारे जो लव लेटर हैं, कुछ लव लेटर चिथड़े चिथड़े हो गए हैं, जिनको मैंने ये वाली डायरी में, मैं आपको दिखा दूँ कि डायरी के तो खैर ऐसे पुरजे पुरजे उड़े हैं, तो मैंने उनको ऐसे अपने डायरी के पन्नों में देखो रखा चिपका के, और कुछ कुछ तो ऐसे अलग हो गए हैं, लेकिन बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्त थी, सहेलियां थी, और ऐसे ऐसे लोगों के लव लेटर हैं कि बहुत इनको पढ़ के रोना भी आता है, हंसना भी आता है। और चूंकि मेरी इतनी ख़ास दोस्ती थी लोगों के साथ में, जिनको मैंने बहुत प्यार से इनको संभाल करके रखा है, तो हो सकता है कि आपके पास भी ऐसी हिस्ट्री हो। तो ये देखिए, ये वाला जो मेरा लेटर है ना, ये पूरा मतलब ऐसे हो गया है, पर फिर भी मैंने इनको अपने दिल से लगाया और इनको संभाल के रखा। और मेरे लिए बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो रहा है क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बदलते हुए युग में, बदलते हुए ज़माने में, हमें थोड़ा सा अपने ज़िंदगी को, अपने मोहब्बत को, अपने प्यार को, अपने दोस्तों को, उनको देखने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो तौर हैं, तरीके हैं, वो बदल रहे हैं। तो जब नया साल आने वाला होता था तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, माँ बाप के पास कोई नौकरी नहीं होती थी, तो दो दो रुपए, चार चार रुपए, 10 आना 20 आना, 18 चवन्नी इकट्ठा करते थे और तैयारी शुरू कर देते थे। सोच सोच के हम लोग शेरो शायरी लिखते थे और उनको हम दोहा बोलते थे उस टाइम पर। तो बहुत सारे दोहे हैं मेरी ग्रीटिंग में, मैं वो ग्रीटिंग आपके सामने सुनाऊंगी। कौन सी दोस्त को कैसी ग्रीटिंग देना है, किसको सस्ती वाली देना है, किसको महंगी वाली देना है, तो भी पहले से तय होता था। और ग्रीटिंग के साथ में ना गिफ्ट ज़रूर होता था।
तो जो जैसे दोस्त होते थे कि किसी को चूड़ी देना है, बिंदी देना है, किसी को रुमाल देना है, किसी को गुलाब का फूल उसमें रख के देना है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा वो गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है। तो अब मैं कुछ ग्रीटिंग आपके सामने दिखाती हूँ, पेश करती हूँ। हो सकता है कि जो मेरे उम्र के लोग होंगे, जो मेरे उम्र के जवान होंगे, उनको भी बहुत याद आएगा अपने पुराने ज़माने को। तो अब मैं कुछ लव लेटर और कुछ ग्रीटिंग पढ़ती हूँ। पहली ग्रीटिंग है, आप देख रहे होंगे ना कि ये धुआं धुआं सी दिख रही है, इसका कलर थोड़ी उड़ गया है। और ये वाला जो ग्रीटिंग है, ये मेरी सबसे फ्रेंड, जो सबसे नज़दीकी दोस्त है, दिलदार दोस्त है, सबसे मेरी पहली मोहब्बत है, उसका ये ग्रीटिंग कार्ड है। और उसके लेटर भी बहुत सारे हैं, और उसका नाम मीरा है। मीरा मेरे साथ में काम करती है, हम दोनों एक साथ कक्षा 6 से पढ़े हैं। और ये देखिए, इस वाले में लिखा है 1999। थोड़ा सा कैमरा को अगर क्लोज करके आप इसको दिखा सको, ये देखो। और हम दोनों का, क्योंकि हमारी दोनों की इतनी मोहब्बत थी, तो हम दोनों के नाम को मिला करके ऐसे लिखे भी थे। अगर आप इसको देखोगे ना, यहाँ पे लिखा है कमी बिराता, और दोनों के नाम के आगे देवी थी। तो कमी बिराता का मतलब है कविता, और मीरा दोनों का नाम है। मेरे बहुत सारे, मैं और भी आपके उसमें पढ़ूंगी। और जब मैं ग्रीटिंग को खोली और जब मेरे पास आया, तो यहाँ पर लिखा है आप और मैं, फिर सैल लिखा है नीला है पेन, लाल है ब्लू, मेरा दिल प्राण आपसे कहता है आई लव यू। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you. तो ये थोड़ा आपको हो सकता है कि दिखे ना, क्योंकि बहुत पुराना है, तो ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। और उसने जो ये वाली ग्रीटिंग थी, उसमें बहुत अलग अलग रंग बिरंगे कलर का यूज किया है, जिसमें ब्लैक है, ब्राउन है, पिंक है, और ब्लू है, और ग्रीन है, हाँ तो सारे कलर हैं। और फिर इसमें एक दिल भी बना है, अब ये दिल मिट गया थोड़ा सा, मतलब तीर वाला दिल है। तो आपका दिल मेरे पास, मेरा दिल आपके पास, ऐसे लिखा है। तो ये देखो दोस्तों, इस तरह का। फिर मेरे पास में बहुत सारी ग्रीटिंग है, मैं अगर आपको एक एक करके दिखाऊं, चूँकि ये एक है मेरे पास में 1999-2000 किसन का है ये। और ये मेरी एक सहेली है जिन्होंने लिखा है, इसमें नाम मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं आपको ये शायरी सुनाती हूँ, ये दोहा लिखा है, ये देखो, पहले हम शायरी नहीं लिखते थे, दोहा, ये देखो दोहा लिखा है। और इस वाले ग्रीटिंग में लिखा है डिब्बे के ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर केक, मेरी प्रिय सहेली लाखों में एक, भगवान तेरी मंदिर में मैं एक फरियाद करती हूँ, खुश रहे सदा जिसको मैं याद करती हूँ। चींटी चढ़ी पहाड़ में शीशा चटक गया, कविता दीदी की दाढ़ी में चूहा लटक गया। मज़ेदार भी होता था। जब याद तुम्हारी आती है दिल को थाम लेती हूँ, आंसू टपक पड़ते हैं जब नाम तुम्हारा लेती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू, मेरी प्यारी बहन, नया साल आपको मुबारक हो। ये वाली ग्रीटिंग देखिए ना, बेचारी फट चुकी है ये वाली ग्रीटिंग, और इसमें हीरोइन बनी है, और इसके कुछ कुछ अक्षर भी मिट चुके हैं। और ये है मेरी सहेली जिसका नाम है फूलमती। फूलमती से मैं बहुत सालों से नहीं मिली, मुझे लगता है कि उससे मुलाकात के 20 साल भी हो गए होंगे, लेकिन फूलमती जहाँ भी होगी उसका नंबर भी मेरे पास में नहीं है। लेकिन
उसका ये याद मेरे पास में, उसकी ग्रीटिंग है। फूलमती का जो आगे का है, मुझे लगता है उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। कपड़ा सिलते समय दिखता नहीं सुई का धागा, जब आपकी याद आई तो दिल इधर उधर भागा। फिर है, फूलों से तुम हंसना सीखो, कलियों से मुस्कुराना, ये फूलमती के प्यार में पागल ना हो जाना। नया साल मंगलमय हो, तुम्हारी प्रिय फूलमती की तरफ से नया साल मुबारक हो, नया साल मंगलमय हो। एक ग्रीटिंग और है मेरे पास, इसमें सन नहीं है, तो यहाँ पे भी लिखा है, भेज रही हूँ पत्रिका इसको लेना हाथ में, पहले मुझको याद करना, ग्रीटिंग पढ़ना बाद में। हरी डाल पर मैना बैठा, मैंने समझा तोता, जब तुम्हारी याद आई तो दिल छिपा कर रोता। चम्मच में जीरा, मेरी प्रिय कविता सहेली लाखों में हीरा। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, सहेली मेरा तोहफा कर लो कबूल। कुछ कुछ चीज़ें मिट गई हैं, इसलिए थोड़ा मैं रुक रही हूँ, तो बहुत सारे हैं और मैं चाहती हूँ कि सबका मैं फिर देखो। ये मेरी एक और सहेली थी जिसका नाम था मुन्नी, और हमारे साथ में पढ़ी, लेकिन बहुत कद में छोटी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत चुलबुलू थी, और न जाने कितने सालों से मैं मुन्नी से नहीं मिली हूँ। सबका शादी ब्याह हो गया, सब अपने अपने घर द्वार हो गई हैं, किसी के बच्चे हो गए हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ बन के रह गई हैं। तो जो मुन्नी का ये वाला ग्रीटिंग कार्ड है, ये है 1998 का, ये देखिए 1998 का ग्रीटिंग कार्ड का ये फ्रंट है। मुन्नी ने लिखा है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, हंसती है सहेली तो खिलते हैं फूल। जा रे ग्रीटिंग चमकते चमकते, प्रिय कविता सहेली से कहना नमस्ते नमस्ते। सूरज निकलता है पूरब की ओर से, नया साल मुबारक हो मुन्नी की ओर से। आई लव यू मुन्नी। अगर तुम मुझे कहीं पर भी ऑनलाइन या यूट्यूब में देख रही हो तो मैं बहुत याद कर रही हूँ, और बाकी सब सहेलियाँ जिनका भी मैं ये ग्रीटिंग कार्ड पढ़ रही हूँ, सबको बहुत याद कर रही हूँ। फिर एक सहेली का जो मेरे हाथ में लगा है लेटर, इसमें मुझे ये शायद 1998 का, क्योंकि ये उन्होंने ग्रीन कलर से लिखा था, तो ये थोड़ा सा मिट गया है। और ये मेरी सहेली है माया देवी कक्षा 6 की तरफ से, मेरी बड़ी बहन कविता कक्षा 6 को नया वर्ष मुबारक ऐसे लिखा है, और वो मुझसे उम्र में छोटी थी लेकिन मोहब्बत उतनी ही थी। तो दीदी जी नमस्ते, आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपकी छोटी बहन माया की तरफ से आप और आपके सभी परिवार को नए साल की शुभकामनाएं। मेरे मामा जी एवं मामी जी को नए वर्ष की बधाई। ये शायद तो मेरे मम्मी को लिखी होंगी, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि सहेली के साथ में वो भी एक रिश्ता कई बार मिल जाता था परिवार वाला। जो दोहा लिखा उसने, गरम गरम दूध में नरम नरम मलाई, दीदी जी आप सभी लोगों को नए वर्ष की बधाई। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, आपकी छोटी बहन का जवाब दीजिए, आंगन में लगी तुलसी कभी सूखती नहीं, दीदी जी आपकी चाहे जहां भी रहें और आपकी याद कभी भूलती नहीं। लिखती हूँ पत्र खून से स्याही ना समझना, मैं आपकी छोटी बहन हूँ पराई ना समझना। बहुत सारे हैं, मैं सब नहीं पढ़ सकती, बस आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे मेरे पास में ग्रीटिंग कार्ड हैं, बहुत सारे लव लेटर हैं मेरे सहेलियों के, मेरे दोस्तों के। ये है का कमलेश की तरफ से, कमलेश मैं मीरा मुन्नी हम सारे लोग एक ही साथ में थे, पढ़ते थे। तो कमलेश की तरफ से मेरी बड़ी बहन कविता को नया साल मुबारक हो। उसकी कुछ अलग
शायरी पढ़ती हूँ ताकि एक जैसे न हो। मटक मटक कर क्या गजब की चाल चला करती हो, खुदा भी शर्म खाते हैं जब तुम श्रृंगार किया करती हो। कितनी प्यारी प्यारी है। पतंग उड़ी आकाश धागा मेरे पास, सहेली तुम हो घर पे पर दिल मेरे पास में मेरे पास। जब याद तुम्हारी आती है दिल को थाम लेती हूँ, आंसू टपक पड़ते हैं जब नाम तुम्हारा लेती हूँ। हरे हरे बाग में तोता करे पुकार, सहेली तेरी याद में दिल है बेकार। इतने पुराने टाइम की यादें हैं, बहुत सारे लव लेटर हैं मेरे। कभी आपको अगर पुरानी यादों को देखना तो आप मेरे पास आ सकते हैं। देखिए ये है मेरी प्रिय प्राण कविता, ये शुरुआती है और बहुत सारे वो हैं। ये देखिए इतना बड़ा लेटर है, श्री गणेशा नमः हम लोग पहले लिखते थे, और बहुत बहुत इसमें लव लेटर है, यादें हैं, रोना धोना हंसना मनाना ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब हम गुस्सा होते थे हम लेटर ही लिखते थे, और या सबको हम रात रात भर जगते थे और कि वो कैसे मनाएगी, और दोनों के दिल में सेम सेम बातें चलती थी। देखो इतने बड़े बड़े लेटर हैं, इतने बड़े बड़े हैं, और फिर ऐसे भी लिखा है, फिर इसमें ऐसे भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, छोटे बड़े पतले मोटे तो ये बहुत ही खूबसूरत याद थी मेरी। और मैं चाह रही थी कि अब हमारे पास इतने सारे संसाधन हो गए हैं कि हमारी जो दूरियां हैं, जो दोस्तों की दूरियां हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि हम मोबाइल से उनको मैसेज छोड़ देते हैं, या किसी का मैसेज हमारे पास बहुत सुंदर शेरो शायरी आ गई तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, या हम ऑनलाइन में सर्च करते हैं कि कौन से शेरो शायरी भेजें, वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन पहले हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे किसको कैसी शायरी लिखना है, किसको क्या देना है। और वो लेटर इतना संभाल के जो रखे हुए हैं, वो जब हम आँखों से एक एक चीज़ हाथ में ले कर पढ़ते थे ना, तो ये जैसे लेटर है वैसे ऐसे लगता था कि उसका दिल मेरे हाथ में है, मेरे दोस्तों का। तो ये जो पुरानी यादें थी, मुझे अभी कई बार ये लगता है कि ये जो पुराना ज़माना है वो बहुत खूबसूरत था। उसमें मोहब्बत थी, उसमें प्यार था, उसमें अपनापन था, और उसमें बहुत सारी चीज़ थी जो ये डिजिटल ज़माने में बहुत चीज़ें खोती जा रही हैं। क्योंकि हम तकनीकी की तरफ इतना बढ़ गए हैं, विज्ञान की तरफ इतना बढ़ गए हैं। तो बस मैं इस 2024 के याद में मैंने बहुत पुराने साल की यादों को आपके सामने रखा है। अगर आपके पास में भी ऐसी पुरानी यादें हैं, आपके पास में भी लिखे हुए लव लेटर हैं, ऐसे ग्रीटिंग कार्ड हैं, तो आप ज़रूर से मेरे साथ में शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे शो को लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि जो आज के ज़माने के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा हमारे ज़माने को पलट करके देखें। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ पुरानी यादों के साथ, हो सकता है कुछ करारी मुद्दों के साथ हो सकता है। और इस वाले साल को मैं बहुत खूबसूरती के साथ में बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो बहुत बहुत मुबारकबाद।